हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये फूड पर है। इसमें हम जानेंगे कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या होता है, साथ ही फूड और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। इसके अलावा हम इसमें विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद रफेज का क्या उपयोगिता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ चर्चा करेंगे कि कौन से विटामिन या कौन से मिनरल्स के कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हमको क्या सब लेना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है और ओबेसिटी क्या होता है, एक्सेस फूड लेने से कौन क्या दिक्कत होती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि फूड क्या होता है। तो फूड हमको न्यूट्रिशन प्रदान करता है और ये वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। हमको बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए और जीवित रहने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। फूड हमको एनर्जी देता है और जो कि जितना भी लिविंग बॉडी है, लिविंग बीइंग है, सबको काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और विभिन्न जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए भी हमको बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। फूड ही है जो हमको फिट और हेल्दी रखता है। तो फूड इज द मेन सोर्स दैट सस्टेन एंड नरिशेज लाइफ। तो फूड को परिभाषित किया गया है कि फूड इज द मेन सोर्स दैट सस्टेन्स एंड नरिशेज लाइफ। ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर दियर फूड। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वह जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट हैं क्लोरोफिल के मौजूदगी में, सनलाइट के उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और ज़मीन से जल लेते हैं, जल और मिनरल लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल और वाटर के मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो एक हो गया कि जो प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और दूसरा जो एनिमल होता है जो कि भोजन के लिए, फूड के लिए ग्रीन प्लांट पर निर्भर करता है। अब हम चर्चा करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड का। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट दियर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल एंड और दियर प्रोडक्ट्स। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खास करके जो मतलब एनिमल है वो प्लांट्स पर निर्भर करता है भोजन के लिए, फूड के लिए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट दियर फूड फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स एंड और दियर प्रोडक्ट्स। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है भोजन प्राप्त करता है या तो प्लांट्स से या एनिमल्स से या उसके प्रोडक्ट्स से। अब इसके बाद फूड एंड इट्स कंपोनेंट पर चर्चा करेंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स होता है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, अवयव हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को अगर हम मतलब कैटेगराइज करें तो जितना भी चीज़ हम खा लें, अलग अलग कितने तरह के, सैकड़ों तरह के भोजन हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यही चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल होता है। इसके अलावा डाइट्री फाइबर्स होता है जिसको हम रफेज कहते हैं, ये हमको कंस्टिपेशन से दूर रखता है और मतलब बहुत सारे रोगों से भी सुरक्षा करता है। आंत को सही से काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए वीज की आवश्यकता होती है। रफेज डाइट्री फाइबर्स
and water are also important component of our food. Different food items are classified into the following categories on the basis of the nutrients present them in and their function in our life. So energy giving food mein aayega carbohydrate and fats. Body building foods mein aayega protein. Protective food mein aayega vitamin and minerals. अब चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट पर. कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन आवर फूड दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च. ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो चीनी और स्टार्च के रूप में मौजूद होता है, पाया जाता है, जो अलग अलग तरह के जो मतलब सेरल्स हैं, व्हीट है, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, तो ये सब सोर्सेज ऑफ स्टार्च हैं. या वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब में स्टार्च पाया जाता है. अब हम चर्चा करते हैं प्रोटीन का. तो प्रोटीन में क्या सब होता है, जैसे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उसी हिसाब से प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन बना होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और उसके अलावा भी उसमें स्मॉल अमाउंट में स्मॉल क्वांटिटी में सल्फर और फॉस्फोरस भी हो सकता है. इसको हम ये हमारे शरीर का के निर्माण में सहयोग करता है. प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द डेवलपिंग टिश्यूज ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड. They also take care of the wear and tear of the body tissues at all ages. तो टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है और शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है. अब जो जैसे एनर्जी गिविंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आता है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट को समझा, अब हम समझते हैं फैट्स को. तो फैट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, लेकिन इसमें लेस अमाउंट में ऑक्सीजन रहता है कार्बोहाइड्रेट के तुलना में. ये क्या करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट के तुलना में डबल अमाउंट में एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं. अब हम चर्चा करते हैं विटामिन का. तो हम जानते हैं कि विटामिन के कमी से प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है शरीर का और बहुत सारे बीमारी से भी शरीर ग्रसित हो जाता है. विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. दे आर नीडेड इन ए स्मॉल क्वांटिटीज ओनली. दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी. हाउएवर दे प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस विद इन आवर बॉडी. विटामिन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें इसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी दर्जा देते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसको बोलते हैं. स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन चाहिए. ये ऊर्जा शरीर को नहीं देते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे रोगों से शरीर को बचाते हैं. और इनके सहयोग से क्या होता है, तो बहुत सारा बायोकेमिकल चेंज होता है हमारे बॉडी में. अब विटामिन की टाइप की बात करें तो हम देखते हैं ना, बहुत सारा विटामिन, जैसे विटामिन ए हो गया, बी वन बी टू बी थ्री बी सिक्स, तो ये सब को हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. फिर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन के टाइप्स हैं. और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स. ये ग्रुप ऑफ विटामिन्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. और दीज विटामिन्स आर ऑफ टू काइंड्स. एक ये जो विटामिन होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है पानी में घुलनशील, जिसको हम वाटर सोलेबल विटामिन कहते हैं, और दूसरा होता है फैट सोलेबल विटामिन. तो विटामिन ए, डी, ई और के जो है फैट में सोलेबल हैं, और वहीं विटामिन बी और सी जो होता है वाटर में सोलेबल होता है. यही कारण है कि विटामिन ए, डी, ई और के बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए. जबकि विटामिन बी अगर हम ज़्यादा मात्रा में भी लेते हैं तो ये पानी में घुलनशील है, पेशाब के द्वारा ये बाहर निकल जाता है. यही कारण है कि जब हम विटामिन बी का गोली लेते हैं, जैसे बीकोसुल है, ट्रेडनेम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, तो हमारा पेशाब पीला होता है और शरीर से बाहर निकल जाता है. अब हम चर्चा करते हैं कि कौन से विटामिन के कमी से कौन सी बीमारी होती है. जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और स्किन ड्राई ड्राई नज़र आता है.
और अगर सोर्स की बात करें तो कॉड लीवर ऑयल में होता है, शार्क लीवर ऑयल में होता है, मिल्क में, बटर, घी, येलो वेजिटेबल और फ्रूट्स में विटामिन ए पाया जाता है। वहीं विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होती है, मसल्स वीक हो जाता है और कमजोरी फील होती है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये व्हीट, राइस, ईस्ट, लीवर मिल्क और योगर्ट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड और स्प्राउटेड पल्सेज में होता है। हम देखते हैं ना कि चना, मूंग, ये सब का अंकुड़ी बना करके लोग खाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्प्राउटेड पल्स। फिर विटामिन सी की बात करते हैं तो जितना खट्टा फल सब होता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, गुआवा, ग्रीन चिलीज, इंडियन गुजबेरी, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसे कमी से स्कर्वी हो जाता है और जो गम्स है हमारा मस्कूर, उससे खून आने लगता है। देखते हैं ना कभी कभी दांत से खून आते हुए, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है विटामिन सी की कमी। फिर विटामिन डी की बात करें तो ये भी मिल्क में और मतलब कॉड लीवर ऑयल में पाया जाता है, शार्क लीवर ऑयल में, अंडा में विटामिन डी पाया जाता है। इसे कमी से रिकेट्स, कर्व्ड एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, बॉल लेग्स जैसी बीमारी हो जाती है। विटामिन ई की बात करें तो इसके कमी से स्टरिलिटी हो जाता है, मतलब नपुंसकता डेवलप हो जाती है। ये वेजिटेबल ऑयल लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटो में पाया जाता है। और विटामिन के की बात करें तो जो हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसमें विटामिन के पाया जाता है। और इसके कमी से प्रोलॉन्ग एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आप देखते हैं ना किसी का खून बह रहा है तो बहता चला जाता है, नहीं देर से रुकता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, तो ये विटामिन के की कमी से होती है। और विटामिन डी और विटामिन के बारे में है कि धूप में अगर हम बैठें तो उससे भी हमको ये मिलता है। विटामिन डी के बारे में खास रूप से कहा जाता है कि अगर हड्डी सब का विकास नहीं हो रहा है या कर्व डिफॉर्म बोन है तो धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि सनलाइट में विटामिन डी पाया जाता है। इस तरह से हमने संक्षेप में जाना अलग अलग तरह के विटामिन और उससे होने वाले जो बीमारी हैं उसके बारे में। अब हम मिनरल्स की चर्चा करते हैं। द इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं और इसके कमी से भी बीमारी होती है। जैसे कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारा जो बोन और टीथ है वो हेल्दी नहीं होगा, और मतलब फास्फोरस की कमी हो तो फिर इससे भी कमी से बोन और टीथ का ग्रोथ नहीं होगा। आयरन की कमी हो जाए तो खून में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। और आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, ग्वाइटर, घेघा जिसको हम बोलते हैं, तो वो बीमारी सब हो जाती है। इसी तरह से पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पानी भी न्यूट्रिएंट्स में का एक कंपोनेंट है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल वाइटल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, इट फॉर्म 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर आर इट इज एसेंशियल फॉर ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ब्लड कंटेंट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर, शरीर का जो के ताप को नियंत्रण करने में भी पानी की भूमिका होती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रफेज पर, जिसको हम हिंदी में रुक्षांश कहते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब में रफेज पाया जाता है, और ये फाइबरी डाइट सब जो हम लेते हैं उससे रफेज की पूर्ति होती है। इसका कोई न्यूट्रिशन वाली भूमिका नहीं होती है, लेकिन आंत का जो संचालन होता है बॉल मूवमेंट में ये मदद करता है, और इसके लेने से पेट साफ रहता है, कंस्टिपेशन से बचाता है। रफेज हेल्प्स इन बॉल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन। तो इस तरह से हमने ये जाना। अब मिनरल जो डिफिशियंसी होता है उसमें कैल्शियम डिफिशियंसी, फॉस्फोरस डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी और आयोडीन डिफिशियंसी होता है। अभी हमने चर्चा किया कि कौन मिनरल्स से कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसको हमने जाना। अब इसके बाद है कि हमको व्हाट शुड वी ईट, हमको क्या खाना चाहिए, तो इस पर चर्चा करेंगे। ए टर्म डाइट रिफर्स टू द फूड ईटन बाय ह्यूमन बीइंग, जो हम भोजन करते हैं तो उसको हम डाइट की संज्ञा देते हैं। हम कहते हैं कि हम रिच डाइट लेते हैं, हम पुअर डाइट लेते हैं, लेकिन हमको लेना क्या चाहिए?
ना हमको पुअर डाइट लेना चाहिए, ना बहुत एक्सेस अमाउंट में डाइट लेना चाहिए। एक्सेस अमाउंट में डाइट लें तो ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, यानी कि मोटापा में के शिकार हो जाएंगे। तो अतिशय भोजन भी नहीं लेना है और बहुत कम भी नहीं लेना है। हमको क्या लेना है, तो बैलेंस डाइट लेना है। अब बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ए बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ए बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये दोनों तरह का हो सकता है। शाकाहारी भी हो सकता है बैलेंस डाइट, और मांसाहारी भी हो सकता है। ए बैलेंस सिंपल मील इज मोर नरिशिंग देन एन इम्बैलेंसिंग ग्रीजी और जंक फूड। आजकल जो जंक फूड सब का प्रचलन हो गया है, तो बैलेंस डाइट सब लेने के लिए कहा जाता है कि सबसे बचिए। इसके बाद अगर हम प्रॉपर अमाउंट में हमारा सही ढंग से हमारा पोषण नहीं हुआ तो हम मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। जो गरीब लोग हैं जिनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलता है तो उनके शरीर में मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसको संक्षेप में हम PEM कहते हैं, और दूसरा होता है PCM, इसमें प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से क्वासियोरकोर और मेरास्मस जैसी बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और फिर एक होता है ओबेसिटी, इसमें अति भोजन के जो लोग शिकार होते हैं तो इसमें वजन बढ़ जाता है। देखते हैं ना आजकल की बच्चे मोटे हो रहे हैं, मोटापा के शिकार हो जाते हैं। द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी इन प्रोपोर्शन टू हर और हिज वेट और हिज हाइट। सम इंडिविजुअल्स हैव ए टेंडेंसी टू ईट मोर देन व्हाट इज़ नीडेड बाई दियर बॉडी। तो इस तरह से मोटापा के शिकार हो जाते हैं, इसमें लोग ज़्यादा भोजन के कारण ऐसा होता है।